स्वीकार हम करते हैं, लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए को काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं, इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है, ये किधर है। एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ, विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से निंदात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है ठीक है गलत है सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको कह रहे हैं कार्रवाई शायद गलत है विध्वंस हुआ, तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ये वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि अपराधी कोई